बताने वाले हैं। तो पहले हम तो पावर पॉइंट को सर्च कर लेते हैं, लैपटॉप हो जाए कंप्यूटर हो, यहाँ पे सर्च का बटन आता है, वहाँ से सर्च कर लेते हैं। तो सर्च करने के बाद हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, फाइल टैब और इसमें होते हैं स्टेटस बार, रिबन, नोट पैन, प्लेस होल्डर, इसमें ये सब बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे मैक्सिमम, मैक्सिमम और क्लोज, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। पहले यहाँ पे स्लाइड्स लाता है, स्लाइड्स को हम ओपन करेंगे, वहाँ पे टाइटल का जो है ऑप्शन आता है, यहाँ पे हमको टाइटल करना है। ये होता है, ये जो पार्ट होता है ये स्लाइड्स, ये इसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर, क्या बोलते हैं प्लेस होल्डर, और इसको हम टाइटल डाल दिए। उसके बाद हमको डालना है सब टाइटल। अब सब टाइटल्स डाल दिए, डालने के बाद हमको करना है इसको, मतलब सब टाइटल्स डालने के बाद अब हमको करना है, मतलब इसको जो डिलीट भी कर सकते हैं, क्विक एक्सेस से हम इसको डिलीट करके अंडो करके हम फिर भी डिटो भी कर सकते हैं, इसको ला भी सकते हैं। और आगे इसको सब टाइटल डाल करके हमारे पास यहाँ पे रहता है रिबन का एक ऑप्शन रहता है, इसको स्टाइलिश बनाने का, मतलब इसको ये मोटा है कि ये मतलब पतला है तो इसको मोटा भी कर सकते हैं। ये जो डिजिट है ना अर्थ, इसको मोटा है, ये इसको हम पतला भी कर सकते हैं, पतला है इसको मोटा भी कर सकते हैं। रिबन के अंदर बहुत सारे फंक्शन भी रहते हैं, माने सजाने का, एक तरह का डेकोरेशन करने का भी यहाँ पे मिलता है ऑप्शन। अब हमारे पास आता है स्लाइड्स, अब हम स्लाइड्स बना दिए, अब दूसरा स्लाइड्स, न्यू स्लाइड्स हमको ओपन करना है। तो रिबन के ठीक करीब यहाँ पे न्यू स्लाइड्स का ऑप्शन आता है, रिबन के ठीक करीब ही एक यहाँ पे न्यू स्लाइड्स का ऑप्शन आता है, उसको न्यू स्लाइड्स को खोलना है। अब हमको जो है उसको बिंगिंग बनाना है, जैसे कि मतलब उसको बिंगिंग बना रहा है, तो उसको दूसरा स्लाइड्स हम ओपन करेंगे, उसके बारे में कुछ लिखेंगे, अर्थ जैसे अर्थ के बारे में कुछ लिखेंगे। उसके बाद उसको हम बिंगिंग भी बना सकते हैं, जैसे कि एक तरह का होता है जो ये स्लाइड्स, फिर एक सेकेंड्स के बाद दूसरा स्लाइड्स आएगा, फिर दूसरा स्लाइड्स आएगा, उसे करके उसको हम स्लाइड शो कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे नोट्स पैन, मतलब जो स्लाइड्स बनाया उसके मतलब तुम खुद अपना नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट्स पैन रहता है, उसके बारे में लिख सकता है, या फिर तुम अपना नाम लिख सकता है, कुछ भी यहाँ पे कर सकता है। उसके बाद इसको जो है ये काम होने के बाद इसको जो है